मिसेस जोन्स स्टैंड्स बैक, मिसेस जोन पीछे खड़ी होती हैं। द मजिस्ट्रेट लीन्स हिज हेड ऑन हिज हैंड, मजिस्ट्रेट अपने सिर को अपने हाथ पर टिकाता है। देन राइजिंग इट ही स्पीक्स टू जोन्स, और इसके बाद वो सिर को उठाते हुए जोन्स से कहता है, नाउ लिसन टू मी, अब तुम मेरी सुनो। डू यू विश द केस टू बी सेटल्ड हियर, क्या तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा ये जो मामला है उसे यहाँ पर सेटल किया जाए, इस मामले को यहीं पर निपटाया जाए। और डू यू विश इट टू गो बिफोर अ जूरी, या तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे इस मामले को जूरी के सामने रखा जाए। तो जोन्स कहता है मटरिंग थोड़ा बड़बड़ाते हुए, आई डोंट वॉन्ट नो जूरी, मैं जूरी नहीं चाहता। मजिस्ट्रेट कहता है वेरी वेल देन, ठीक है फिर, आई विल डील विद इट हियर, मैं तुम्हारे मामले को यहीं निपटाऊँगा। आफ्टर अ पॉज़, यू हैव प्लीडेड गिल्टी टू स्टीलिंग दिस बॉक्स, और फिर वो उससे कहता है कि यू हैव प्लीडेड गिल्टी, यानी तुमने चोरी करने का दोषी अपने आप को माना, टू स्टीलिंग दिस बॉक्स, इस बॉक्स को चुराने का दोषी अपने आप को माना। तो जोन्स कहता है कि नॉट टू स्टीलिंग, फिर से वो इसी बात को कहता है कि मैंने चोरी करने का दोषी अपने आप को नहीं माना। तो वर्ल्ड कॉन्स्टेबल कहता है, उसे थोड़ा सा शांत करता है और कहता है मजिस्ट्रेट, इसके बाद मजिस्ट्रेट कहता है कि एंड टू असल्टिंग द पुलिस, और तुमने पुलिस पर हमला करने का भी जो दोषी है वो अपने आप को माना। तो जोन्स कहता है एनी मैन एज वॉज अ मैन, वो सीधे सीधे कहता है कि अगर कोई भी आदमी होगा तो भी इस तरीके से पुलिस पर हमला करेगा। तो मजिस्ट्रेट कहता है कि योर कंडक्ट हियर हैज़ बीन मोस्ट इम्प्रॉपर, तुम्हारा यहाँ जो व्यवहार रहा है वो बिल्कुल उचित नहीं रहा, वो एक अनुचित व्यवहार रहा। यू गिव द एक्सक्यूज़ दैट यू वर ड्रंक, और तुमने हमेशा यही बहाना दिया कि तुम शराब पिए हुए थे। व्हेन यू स्टोल द बॉक्स, जब तुमने बॉक्स को चुराया। आई टेल यू दैट इज़ नो एक्सक्यूज़, और मैंने तुमसे ये कहा कि ये कोई बहाना नहीं है, यानी आप शराब के नशे में आपने ये कर दिया तो फिर आप उस काम को जायज़ नहीं ठहरा सकते। इफ़ यू चूज़ टू गेट ड्रंक एंड ब्रेक द लॉ, यदि तुम शराब पीते हो और कानून को तोड़ते हो, आफ्टरवर्ड यू मस्ट टेक द कॉन्सिक्वेंसेस, तो उसके बाद आपको इसी प्रकार के परिणाम भुगतने होते हैं। एंड लेट मी टेल यू दैट मैन लाइक यू, और अब मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि जो तुम जैसे लोग हैं, हु गेट ड्रंक एंड गिव वे टू योर स्पाइट और वॉट एवर इट इज़ दैट इन यू, कि जो केवल जैसे शराब पीते हैं और अपने द्वेष को ही अहम मानते हैं, जिनके लिए जो उनके अंदर चल रहा है उसी को केवल महत्व देते हैं, नॉनसेंस टू द कम्युनिटी, तो इस प्रकार के जो लोग होते हैं वो समाज के लिए घातक होते हैं, समुदाय के लिए घातक होते हैं। तो इसके बाद जैक लीनिंग फ्रॉम हिज सीट, अपनी सीट पर थोड़ा सा झुकते हुए, और वो डैड से कहता है कि डैड दैट इज़ वॉट यू सेड टू मी, कि यही सब कुछ तो आपने भी मुझसे कहा। बार्थिक उसे शांत करता है, देयर इज़ अ साइलेंस, इसके बाद एक शांति आ जाती है। वाइल द मजिस्ट्रेट कंसल्ट हिज क्लर्क, और मजिस्ट्रेट अपने क्लर्क से थोड़ी सी बातचीत करता है। जोन्स लीन्स फॉरवर्ड वेटिंग, और जो जोन्स होता है वो लीन्स फॉरवर्ड थोड़ा आगे झुक कर के खड़ा हो जाता है, इंतज़ार करता है। इसके बाद मजिस्ट्रेट, दिस इज़ योर फर्स्ट ऑफेंस, मजिस्ट्रेट उससे कहता है कि ये तुम्हारा पहला अपराध है, एंड आई एम गोइंग टू गिव यू अ लाइट सेंटेंस, और इसके लिए मैं तुम्हें कोई बड़ी सज़ा देने वाला नहीं हूँ, मैं तुम्हें मामूली सी सज़ा देने वाला हूँ। स्पीकिंग साफली बट विदाउट एक्सप्रेशन, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बोलता है लेकिन बिना किसी भाव के, और कहता है कि वन मंथ विद हार्ड लेबर, मैं तुम्हें एक महीने के हार्ड लेबर की सश्रम कारावास की सज़ा देता हूँ। ही वेंट्स एंड पार्लेस विद हिज क्लर्क, इसके बाद वो झुकता है और अपने क्लर्क से बातचीत करता है। द वर्ल्ड कांस्टेबल एंड अनदर हेल्प जोन्स फ्रॉम द डॉग, और जो वर्ल्ड कांस्टेबल होता है और जो अन्य लोग होते हैं वो जोन्स की हेल्प करते हैं डॉग से नीचे लाने में। जोन्स स्टॉपिंग एंड ट्विस्टिंग राउंड, जोन रुकते हुए और वो एक टिप्पणी यहाँ करता है कि कॉल दिस जस्टिस, क्या इसे न्याय कहते हैं, क्या ये न्याय हुआ, व्हाट अबाउट हिम, अब वो इस बात को क्यों कहता है कि क्या ये न्याय हुआ, तो वो इसलिए कहता है आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा
कि जोन्स इस बात को क्यों कहता है कि कॉल दिस जस्टिस, तो इसलिए कहता है कि जो अपराध उसने किया उससे भी बड़ा अपराध जैक ने किया। जैक ने भी उसके साथ शराब पी, और जबकि जो बॉक्स की चोरी है वो उसने करी, लेकिन उससे भी पहले जो पर्स की चोरी थी वो जैक ने करी। तो वो ये मानता है कि जैक ने मुझसे भी बड़ी चोरी करी क्योंकि उसके पास तो पैसा है, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे सारी ये जो सारा कुछ हुआ उसका दोषी मुझे बना लिया गया और मुझे सज़ा मिल गई। लेकिन जैक को किसी भी प्रकार से, जैसे उसके पैसे ने मान लीजिए, या उसके पैसे या उसके पिता के बड़े नाम ने उसे बचा लिया। तो इस पर वो कहता है कि कॉल दिस जस्टिस, क्या इसे न्याय कहते हैं? वॉट अबाउट हिम, उसका क्या? ही गॉट ड्रंक, उसने भी शराब पी। ही टुक द पर्स, उसने भी पर्स को लिया, मतलब उसने भी चोरी करी। ही टुक द पर्स वट, उसने भी पर्स को लिया, लेकिन इन मफल्ड शाउट, थोड़ी सी गर्जना की आवाज़ में वो कहता है कि इट इज़ मनी, इट इज़ मनी, कि ये पैसा है। गॉट हिम ऑफ जस्टिस, जिसको उसने बचा लिया, जिसको उसने छुड़वा लिया। द प्रिजनर्स डोर इज सेट ऑन जोन्स, और जो प्रिजनर्स डोर होता है उसे बंद कर दिया जाता है। एंड फ्रॉम द सीडी लुकिंग मैन एंड वुमेन कम्स हॉर्स एंड विस्परिंग ग्रोन, और सामने जो लोग बैठे हुए होते हैं उनके अंदर से थोड़ी सी एक करकसी लेकिन फुसफुसाने की जो आवाज़ है वो आती है। इसके बाद जो मजिस्ट्रेट होता है, क्योंकि उसने अपना जो डिसीजन है उन्होंने वो सुना दिया, तो मजिस्ट्रेट इसके बाद कहते हैं कि वी विल नाउ एडजॉर्न फॉर लंच, अब हम लंच के लिए इस कोर्ट को यहीं स्थगित करते हैं। ही राइजेज फ्रॉम हिज सीट, इतना कहते हुए वो अपनी सीट से उठ जाते हैं। द कोर्ट इज इन अ स्टिर, कोर्ट के अंदर एक हलचल रहती है। रोपर गेट्स अप, रोपर खड़ा होता है एंड स्पीक्स टू द रिपोर्टर, क्योंकि मिस्टर वार्चिक एक बड़े आदमी हैं तो रिपोर्टर भी वहाँ आ जाते हैं। जो रोपर होता है वो रिपोर्टर से बात करता है। जैक थ्रोइंग अप हिज हेड वॉक्स विद अ स्वैगर टू द कॉरिडोर, जॉन जो होता है वो अपने सर को थोड़ा सा झटकते हुए, उसे थोड़ा सा अभिमान रहता है कि मेरे पैसे ने, या समझ लीजिए कि उसके पिता के नाम ने उसे बचा लिया, तो इस बात का हल्का सा वो अभिमान दिखाते हुए, थ्रोइंग अप हिज हेड वॉक विद अ स्वैगर टू द कॉरिडोर, एक अकड़ के साथ कॉरिडोर की ओर जाता है, गलियारे में निकलता है। वार्थिक फॉलोस, वार्थिक भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। मिसेस जोन जो होती है, जो कि इस पूरे मामले से बहुत ज़्यादा दुखी होती है, टर्निंग टू हिम उसकी ओर मुड़ती है। सी मेक्स अ हम्बल गेस्चर, और एक बड़ा विनम्र सा इशारा उसकी ओर करती है और कहती है ओ सर, अरे सर, एक पश्चाताप के भाव में भी वो कहती है। तो इस पर वार्थिक हेजिटेट, थोड़ा हिचकिचाता है। देन यील्डिंग टू द नर्व्स, और अपनी जो घबराहट है उसके अंदर की उसको दर्शाता हुआ, ही मेक्स अ सेम फेस्ड गेस्चर ऑफ रिफ्यूज़ल। जो मिसेज जोन होती है वो थोड़ा सा ओ सर, उसका जो भाव था वो इस तरीके का था कि उसे दोबारा से काम पर रख लिया जाए, लेकिन जो मिस्टर वार्थिक है, ही मेक्स अ सेम फेस्ड गेस्चर ऑफ रिफ्यूज़ल, वो अस्वीकृति का, मना करने का एक थोड़ा सा सेम फेस्ड गेस्चर उसे इशारा करते हुए चला जाता है। एंड हरीस आउट ऑफ कोर्ट, और कोर्ट से जल्दी बाहर निकल जाता है। मिसेज जोन स्टैंड्स लुकिंग आफ्टर हिम, और मिसेज जोन देखते हुए वहीं खड़ी रहती हैं। द कर्टेन फॉल्स, इसके बाद पर्दा गिर जाता है। तो ये मेरे ख्याल से आप लोगों को जो सिल्वर बॉक्स है ये आज आपका कंप्लीट हो गया। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को इसी बात का इंतज़ार था कि सिल्वर बॉक्स आपका कब कंप्लीट होने वाला है। हाँ, इसके बाद एक एक करके, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपका जो सेक्शन फर्स्ट और जो सेक्शन सेकेंड था इसका, एक्ट फर्स्ट और एक्ट सेकेंड, उसके तो क्वेश्चन आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी हो गए और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी हो गए। यहाँ से आप लोगों को एक्ट थर्ड के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। पहले आप एक एक करके जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है उन्हें देखिए, और उसके बाद जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है अपन उनको देखेंगे। तो सबसे पहले जो एक्ट थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कह रहा है कि वेयर वर द टू लिटिल गर्ल्स फाउंड। टू लिटिल गर्ल्स जो दो छोटी छोटी लड़कियाँ थीं, मेरे ख्याल से एक्ट थर्ड की जो पूरी स्टोरी आपके दिमाग में होगी, तो उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर वर द टू लिटिल गर्ल्स फाउंड, कि जो दो छोटी लड़कियां थी जिनका कि इस केस से, ये जो सिल्वर बॉक्स था, बॉक्स की चोरी का मामला था, इस केस से इन लड़कियों के मामले का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी वार्थिक साहब ने इस एक्ट को इन लड़कियों के केस से स्टार्ट किया। इसका भी एक बड़ा महत्व है, वो आपको आगे समझ में आएगा।
लेकिन अभी यहाँ केवल इतना आपसे पूछा गया है कि वेयर वर द टू लिटिल गर्ल्स फाउंड, कि दोनों छोटी छोटी लड़कियों को कहाँ पाया गया बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा। आंसर में आप कह देंगे क्योंकि दोनों जो लड़कियाँ थीं वो गलियों में भटकते हुए पाई गई, तो आप उसी तरीके से कह देंगे कि द टू लिटिल गर्ल्स वर फाउंड, यानी दोनों लड़कियों को पाया गया, कहाँ पाया गया बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा, क्राइंग, रोते हुए, आउटसाइड अ पब्लिक हाउस, तो एक पब्लिक हाउस के बाहर रोते हुए पाया गया, इन द स्ट्रीट, गली में। और कहानी मेरे ख्याल से इनकी पता ही होगी, तो इसमें कुछ आपको ज़्यादा नहीं लिखना कि द टू लिटिल गर्ल्स वर फाउंड बाई द पुलिस, कि दोनों लड़कियों को पाया गया। कैसे पाया गया, जैसे ये तो आपको पता ही है, टू लिटिल गर्ल्स वर फाउंड बाई द पुलिस इन द स्ट्रीट, कि उन्हें गली में पाया गया, रोते हुए, क्राइंग आउटसाइड अ पब्लिक हाउस। बस केवल आपको इतना देना है कि रोते हुए पब्लिक हाउस के बाहर उन्हें पाया गया। क्लियर? हाँ, इसके बाद देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 32 है, तो पहले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि व्हाट शॉर्ट ऑफ वुमेन, शॉर्ट ऑफ का मतलब होता है किस्म का या प्रकार का, तो किस प्रकार की महिला, वॉज द मदर, माँ थी, ऑफ द टू अनफॉर्चुनेट गर्ल्स, तो वो दोनों की दोनों जो दुर्भाग्यशाली लड़कियां थीं जिनके लिए लिवेंस को, ये मैंने आपको बताया था कि एक एक्स्ट्रा जो बार्थविक ने जो थर्ड एक्ट स्टार्ट किया था, तो उसमें एक एक्स्ट्रा स्टोरी जो कोर्ट में आई थी जिसका केस पहले से चल रहा था, तो उसको भी यहाँ ऐड किया गया है। और वो केवल इसलिए ऐड किया गया है ये बताने के लिए कि समाज की स्थिति कितनी ख़राब है, आर्थिक रूप से समाज में कितनी दुर्दशा फैली हुई है, और कानूनी रूप से या कानून किस तरीके से अलग है, जो पैसे वाले लोग हैं उनके लिए कानून किस तरीके से अलग है और जो गरीब लोग हैं उनके लिए किस तरीके से अलग है। तो उसी में आपसे पूछा गया है कि वो दोनों की दोनों जो लड़कियां थी उनकी माँ के बारे में पूछा गया है कि व्हाट शॉर्ट ऑफ वुमेन वॉज द मदर, कि माँ किस प्रकार की महिला थी ऑफ द टू अनफॉर्चुनेट गर्ल्स, दोनों लड़कियों की। तो स्टोरी से आपको पता है कि माँ चूँकि घर छोड़ करके चली गई थी किसी दूसरे के साथ, तो वही आपको यहाँ लिखना है कि द देयर मदर वॉज, कि उनकी जो माँ थी वॉज एन इम्प्रॉपर पर्सन, वो एक अनुचित महिला थी, अनुचित व्यक्ति मतलब एक अनुचित महिला थी, काय के लिए, टू हैव एनीथिंग टू डू, कुछ भी करने के लिए विद हर डॉटर, अपनी लड़कियों के लिए, यानी लड़कियों के लिए वो कुछ भी करेगी वो लड़कियों के लिए उचित नहीं होगा। तो इस तरीके से यहाँ आपको बताना है कि देयर मदर वॉज एन इम्प्रॉपर पर्सन, कि उनकी जो माँ थी वो एक इम्प्रॉपर पर्सन थी, और किसके लिए इम्प्रॉपर पर्सन थी, टू हैव एनीथिंग टू डू विद हर डॉटर्स, अपनी लड़कियों के लिए कुछ भी करने के लिए वो एक इम्प्रॉपर पर्सन थी। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ज़्यादा इनमें कुछ नहीं लिखना, तो इसलिए मेरे ख्याल से बड़ी आसानी से आपके समझ में आ जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वॉज लिवेंस। अब यहाँ जैसे उनकी माँ के बारे में हो गया, अब पूछा गया है कि जो पिता था उनका जिसका नाम था लिवेंस, तो उसके बारे में पूछा गया है कि हु वॉज लिवेंस, लिवेंस कौन था, तो ये उनका पिता है। बस केवल उसकी जो वेशभूषा है वो यहाँ आपको बताना है कि लिवेंस वॉज द फादर, कि लिवेंस पिता था ऑफ द टू लिटिल गर्ल्स, दो लड़कियों का। तो इतने से ही आपका क्लियर हो गया कि लिवेंस कौन था, कि जिन दोनों लड़कियों की कहानी से थर्ड एक्ट को स्टार्ट किया गया है उन दोनों लड़कियों का पिता लिवेंस है। अब वो किस तरीके की वेशभूषा है उसकी, तो वो और बता दीजिए कि ही वॉज क्वाइट, वो एकदम से शांत, विद ग्रिजल्ड हेयर, भूरे बालों वाला, एंड अ मफलर फॉर अ कॉलर, और कॉलर में एक गुलेबंद पहने हुए, कॉलर के लिए एक गुलेबंद रखने वाला व्यक्ति है। तो ही वॉज क्वाइट, वो बिल्कुल शांत सा व्यक्ति है, ग्रिजल्ड हेयर है उसके, भूरे बालों वाला है, एंड अ मफलर फॉर अ कॉलर। तो यहाँ भी आपको कुछ ज़्यादा नहीं लिखना कि लिवेंस कौन है, कि लिवेंस वॉज द फादर ऑफ द टू लिटिल गर्ल्स, कि वो दो छोटी छोटी लड़कियों का पिता है। और साथ में आपको ये लिख देना है कि ही वॉज क्वाइट, वो शांत है, विद ग्रिजल्ड हेयर एंड अ मफलर फॉर अ कॉलर। क्लियर? चलिए इसके बाद देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 34 है, क्वेश्चन नंबर 34 आपका क्या कह रहा है कि व्हाट डिड लिवेंस टेल, टेल मतलब कहना, डिड लगाए इसलिए आपका पास्ट में चला जाएगा, कि लिवेंस ने क्या कहा द मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट से, व्हेन, जब, ही वॉज आस्क्ड, जब उससे कहा गया, किसके लिए कहा गया, टू टेक केयर, देखभाल करने के लिए, ऑफ द टू लिटिल गर्ल्स। तो जब मजिस्ट्रेट ने उससे ये कहा कि तुम अपनी दोनों लड़कियों की देखभाल क्यों नहीं करते,
क्यों इन दोनों लड़कियों को गलियों में भटकने के लिए छोड़ देते हो? तो जब उससे ये कहा गया कि तुम अपनी लड़कियों की देखभाल करो, इसी के ऊपर यहाँ क्वेश्चन बनाया गया कि व्हाट डिड लिवेंस टेल, तब लिवेंस ने इस बात का क्या आंसर दिया जब उससे ये कहा गया कि तुम अपनी दोनों लड़कियों की देखभाल क्यों नहीं करते? तो इसी पे आपका क्वेश्चन बनाया कि व्हाट डिड लिवेंस टेल, तो लिवेंस ने क्या बताया था मजिस्ट्रेट को? व्हेन ही वॉज आस्क्ड, जब उससे ये कहा गया टू टेक केयर ऑफ द टू लिटिल गर्ल्स, दोनों लड़कियों की परवाह करने के लिए जब लिवेंस से कहा गया तो उसने मजिस्ट्रेट से क्या कहा? परवाह करने के लिए उसने समर्थ बताया अपने आप को या अपनी असमर्थता जताई? तो आप कहेंगे कि लिवेंस टोल्ड द मजिस्ट्रेट, कि लिवेंस ने मजिस्ट्रेट से कहा दैट ही हैड नो होम। सबसे पहले तो उसने कहा कि मैं इन बच्चियों को रखूं कहाँ, क्योंकि इनकी जो माँ है वो सारी चीज़ों को गिरवी रख करके और घर तोड़ करके चली गई है, यानी कुल मिलाकर के उसके पास आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वो दोबारा से कहीं इनकी व्यवस्था कर सके। तो ही हैड नो होम, उसने बता दिया कि उसके पास कोई घर नहीं है, साथ में गॉट नो वर्क, उसके पास कोई काम भी नहीं है। थर्ड, हैड बीन लिविंग हैंड टू माउथ, हैंड टू माउथ मैंने आपको पहले भी बताया था, इसका मतलब होता है भूखों मरना। हैड बीन लिविंग हैंड टू माउथ, वो भूखों मर रहा है। एंड हैड नथिंग टू कीप देम, एंड हैड नथिंग, अब यहाँ देखिए आपको क्या करना है कि लिवेंस टोल्ड द मजिस्ट्रेट, तो ये नरेशन के रूल से, जो रूल ऑफ सीक्वेंस ऑफ टेंस है उस रूल से अगर आप देखेंगे दैट ही हैज़ नो होम, वह कोई घर नहीं रखता है, लेकिन यहाँ हैज़ हमने क्यों चेंज कर दिया हेड में, क्योंकि आपका जो फर्स्ट सेंटेंस है वो पास्ट में है, तो इसके पास्ट में होने की वजह से यहाँ हैज का हेड किया गया है। अदरवाइज आप जो अर्थ निकालेंगे, जो आप यहाँ सेंस निकालेंगे, वो आप प्रेजेंट में ही रखेंगे। जैसे यहाँ आप ये कहेंगे कि लिवेंस टोल्ड द मजिस्ट्रेट, कि लिवेंस ने मजिस्ट्रेट से कहा, अब चूंकि ये बात टोल्ड पीछे की हो गई तो इसलिए करस्पॉन्डिंग पास्ट जो भी प्रेजेंट था उसे आपको पास्ट में लिखना पड़ेगा, लेकिन आप उसका सेंस निकालने के लिए बाध्य नहीं है। अर्थ में आप यही कहेंगे कि ही हैज नो होम, उसके पास कोई घर नहीं है, लेकिन लिखेंगे आप क्या कि ही हैड नो होम, क्योंकि अगर आपका ये सेंटेंस यानी जो आपका प्रिंसिपल क्लॉज है अगर वो आपका पास्ट में होता है तो आपके सामने वाले सेंटेंस को चेंज करके आपको करस्पॉन्डिंग पास्ट में ले जाना पड़ता है। तो उसी रूल से यहाँ हैज होना चाहिए था लेकिन हैड किया गया, दैट ही हैज नो होम, उसने कहा कि मेरे पास कोई घर नहीं है। दूसरी बात उसने कहा कि गेट नो वर्क, उसके पास कोई काम भी नहीं है, उसे कोई काम नहीं मिलता। थर्ड उसने कहा कि हैज बीन लिविंग हैंड टू माउथ, और वो भूख से मर रहा है, भूखों मरने के लिए वो बेबस है। एंड हैज नथिंग टू कीप देम, एंड हैज नथिंग, और कुछ भी उसके पास है नहीं टू कीप देम, उन्हें रखने के लिए। हाँ, लेकिन अब ध्यान रखें कि ये सब आपको लिखना पास्ट में ही पड़ेगा। क्वेश्चन मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन को पहले एक बार फिर से समझिए कि व्हाट डिड लिवेंस टेल, कि लिवेंस ने क्या कहा, किससे द मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट से। व्हेन ही वॉज आस्क्ड, जब उससे कहा गया टू टेक केयर ऑफ द टू लिटिल गर्ल्स, दोनों छोटी छोटी लड़कियों की देखभाल करने के लिए जब उससे कहा गया कि तुम अपनी लड़कियों की देखभाल करो, तो उसने मजिस्ट्रेट को इसके लिए क्या जवाब दिया? तो अब आप कहेंगे कि ही टोल्ड द मजिस्ट्रेट, कि उसने मजिस्ट्रेट से कहा सबसे पहले लड़कियों को रखना है तो उसके पास रखने के लिए घर नहीं है, तो उसने क्या कहा कि ही हैड नो होम। दूसरा, खिलाने पिलाने के लिए मुझे पैसा चाहिए तो मेरे पास कोई काम नहीं है, गॉट नो वर्क। तीसरा, मैं खुद भी भूखों मर रहा हूँ, हैड बीन लिविंग हैंड टू माउथ। और चौथा, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जिससे मैं इन्हें रख सकूँ, एंड हैड नथिंग टू कीप देम। क्लियर? मेरे ख्याल से तीनों आंसर बहुत ईजी हैं, ठीक से समझ में आ गए होंगे और लर्न भी हो गए होंगे। जैसे फर्स्ट है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ वुमेन वॉज द मदर, माँ किस प्रकार की महिला है, कि माँ तो उन लड़कियों के लिए कुछ भी करने के लिए एक इम्प्रॉपर पर्सन है। आप सीधे सीधे कहेंगे कि देयर मदर वॉज एन इम्प्रॉपर पर्सन, कि उनकी जो माँ है वो तो एक इम्प्रॉपर पर्सन है। काय के लिए? टू हैव एनीथिंग टू डू, कुछ भी करने के लिए विद देयर डॉटर, या विद हर डॉटर, कि अपनी लड़कियों के लिए कुछ भी करने के लिए वो तो एक इम्प्रॉपर पर्सन है। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन है कि हु वॉज लिवेंस, के लिवेंस कौन है, तो पहले तो आप कहेंगे कि ये दोनों लड़कियों का पिता है, कि लिवेंस वॉज द फादर ऑफ द टू लिटिल गर्ल्स, कि ये पहले तो दोनों लड़कियों का पिता है। अब उसकी वेशभूषा लिख देंगे आपके, ही वॉज क्वाइट, वो शांत है, विद ग्रिजल्ड हेयर हैं उसके, एंड अ मफलर फॉर अ कॉलर। क्लियर? चलिए इसके बाद देखिए आपका जो नेक्स्ट आंसर है।